मंच पर आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, माननीय श्री आशीष जी, श्रीमान मदन कौशिक जी और बहुत अपने पहले जो वक्ता हैं और BHEL के अधिकारी श्रीमान प्रदीप जी, प्रकाश चंद्र जी और मेरे से पूर्व वक्ता सुश्री नरेनी जी और यहाँ के प्रथम नागरिक जी, मैन जी, सुश्री कमलिनी जी और भारत नीति के यहाँ के इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण पदाधिकारी और हमारे मित्र श्रीमान संजय चतुर्वेदी जी और इस कार्यक्रम के निमित्त योजना बनाने में और इस पूरे कार्यक्रम की जो रचना करने में राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने वाले भारत नीति के प्रमुख श्रीमान हेमंत गोस्वामी जी और उसके आयोजनकर्ता श्रीमान अनूप जी, श्रीमान विक्रम जी और विशेष यहाँ पर कई महानुभाव यहाँ बैठे हैं, इस तरह भारत नीति के साथ जुड़े भी हैं और हमारे कई बार भारत नीति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हुए और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कई गणमान्य लोग हैं जो अगले सत्र में भी साथ में रहने वाले हैं। समय बहुत हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कलाकार के नाते सुश्री नलिनी जी को तो हम देखते ही हैं, लेकिन वक्ता के नाते भी, सांस्कृतिक वक्ता के नाते भी जिस प्रकार से बोल रहे हैं सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन समय बहुत बड़ा ऐसा विषय है कि जो सुनने वालों को और सुनाने वालों को बीच में वो बड़ा रोड़ा बनता है कई बार, मेरे ऊपर भी वो है। तो कई बार आयोजकों को बड़ी दिक्कत होती है कि सुनना चाहते हैं ऐसे भी लोग हैं, सुनाना चाहते हैं ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है और आगे जिनको बोलना है उनको भी लगता है कि भाई ये तो इतनी ही अपनी बात सुना रहे हैं तो फिर क्या होगा। डिजिटल कैंपेन, डिजिटल इंडिया कैंपेन भारत सरकार ने अभी चालू किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक क्रांतिकारी योजना और क्रांतिकारी कदम देश के सामने प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं कि संस्कृति के विषय में बोलने लगे तो फिर हम संस्कृति पर ही बोलने लगेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि आज देश में जिसको आप नेट रेवोल्यूशन कहते हैं, उसका आनंद कहो, उसके भागीदार कहो, वो अभी तो पहले तो फर्स्ट जनरेशन जिसको कहते हैं वो यंग जनरेशन है। अभी बुजुर्ग लोग उतना आनंद लेने में, उतना देखने में थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन वो भागीदार नहीं, वो प्लेयर नहीं। लेकिन देश ऐसा है कि इस समय तो यंग लोगों का देश बन गया है। देश में अधिकांश लोग तो यंग है, देश की आबादी में सबसे बड़ी जो हिस्सा है वो यंग लोगों की है। तो इस कारण से तो मैं भारत नीति के पहले कार्यक्रम में भी कई बार कहा था, तो ये जो जनरेशन यहां बैठा है,
जिसमें हम भी नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत आगे बैठे हुए लोग भी नहीं आते हैं, थोड़ा पीछे बैठे हुए लोग आते हैं, जिसमें 18 साल से 25 साल 35 साल के लोग। मैं मानता हूं कि इतना लकी जनरेशन और कोई है क्या? तुम मुझे तो दिखाई नहीं कि भाई हमसे पहले की जो जनरेशन है वो तो, और उससे पहले की जनरेशन है तो उनको स्वतंत्रता भी नहीं थी, तो वो गुलामी के विरोध में लड़ रहे थे, तो उनकी तो कंसर्न कुछ और थे। उससे तो हमारा जनरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उससे आगे जनरेशन इसके लिए अच्छा है। तो मैं कई बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी, उनको लोकतंत्र की व्यवस्था मिल गया। जिसको लोकतंत्र क्या होता है, तो जिनको लोकतंत्र में जीने का मौका नहीं मिला, उनको उनको पूछने से पता चलता है कि लोकतंत्र क्या होता है। हम पॉलिटिक्स में है या नहीं है, या हम राजनीति में है या हम किसी और में है, वो सब छोड़िए, लेकिन लोकतंत्र में जीने का, जिसको सौभाग्य मिलता है, जिसको एक अवसर मिलता है, उसमें नहीं है ऐसे, उनसे पूछेंगे तो ध्यान में आता है कि लोकतंत्र यानी क्या। और उसके साथ लोकतंत्र भी है और उसमें हम जवान है, नहीं ये जवानी का क्या है? तो जवाने के समय में टेक्नोलॉजी का जितना आनंद लेने का आपको स्कोप मिलता है, वो किसी और को नहीं मिलता। तो उसको बड़े किसी और ढंग से समझाना हो तो मैं कहता हूं कि राजनीति में बहुत सारे लोगों को मालूम है, राजनीति में कई बार क्या होता है कि थोड़ा बुजुर्ग होने पर उनको राज्यपाल बना दिया जाता है, तो राज्यपाल बनाते हैं। राज्यपाल बनाने के बाद उत्तराखंड जैसे शहर प्रदेश में राज्यपाल बनाया, तो इतना रमणीय प्रदेश है, रमणीय प्रदेश में राज्यपाल को कभी जमाने के पुराने ब्रिटिशर्स ने बनाया भवन छोड़ के चले गए, वो भवन आवास के नाते मिलता है। इतना बढ़िया राज्यपाल किया, पूरे देश में कहीं भी जाइए तो कोई राज्यपाल के आवास, कितना हेरिटेज प्लेस होता है कई बार, तो उसमें रहने का मौका मिलता है, लेकिन वो सारे कमरे घूमने लायक ही नहीं रहता है। जो जवान होता है उसको जब चाहिए तो वो तो भवन मिलता नहीं है, और जो घूमने लायक नहीं रहता है तब वो राज्यपाल बना दिया गया, तो उसको कमरे देखने लायक ताकत नहीं होती है। और उसमें ऊपर से क्या होता है कि सरकारी खर्च पर उसको एक कुक शेफ और ये सारे लोग मिल जाते हैं। और आपको मालूम है भारत एक ऐसी जगह है कि खाने का, खाने खाने के लिए ही भगवान ने देश बनाया है। खाते रहो तो उत्तराखंड के जितनी विविध खाने हैं वो सब खाते रहेंगे तो 5 साल निकल जाता है, 6 साल निकल जाता है। एक एक आइटम एक एक दिन खाओ तो उसको 5 साल निकलता है। इतने खाने की वैरायटीज इस देश में है, तो संस्कृति यानी मतलब सोचिए कि कला नहीं है, खाना भी है। भारतीय संस्कृति को खाने से अलग करके संस्कृति कोई चीज नहीं होती, खाना ही संस्कृति है। तो ऐसे में राज्यपाल को उम्र ऐसा है कि वो डायबिटीज भी है, बीपी भी है, तो वो खाने लायक नहीं रहता। तो खाने वाला खाना बनाने वाला है, सरकारी खर्च पर फ्री में खाना देने की व्यवस्था है, लेकिन भगवान ने ऐसा अवसर ही नहीं दिया कि वो खाने लायक नहीं रहता। ये और डेमोक्रेटिक डिविडेंड वो जवान है, और तीसरा उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी मिल गया। तो इसीलिए मैं इस देश में जब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते, सोशल एक्टिविस्ट के नाते मैं जब घूम रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि आने वाले क्रांति के दरवाजे किस प्रकार से, खिड़की दरवाजे कितने खुल गए हैं। तो मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में भारत जाग रहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा वो सच में साकार होने जा रहा है। अब वो कई बार क्या होता है कि आप लोग रामायण सुने, हनुमान जी सागर के सामने खड़े हैं,
तो उसको कहा गया कि जाम भगवान ने जाके कहा कि भाई तू क्या है, तुम आपको क्या मालूम है कि आपकी क्या ताकत है, तो ये सागर लांग सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कहानी तो सब सुने हैं, तो कोई मैं पहले व्यक्ति है आप लोगों को समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सब कहानी सुने। कहानी सुनना अलग होता है, लेकिन कहानी सच में क्या है ये जब आपको साथ जब साक्षात्कार होता है तो वो कई बार मालूम होता है। स्वामी जी भारत के बारे में जब वो शिकागो में कहा या उसके बाद आने के बाद लोगों के सामने कई जगह पर जा जाकर जब कहा, तो उस समय पढ़े लिखे लोगों को भी लगता नहीं कि स्वामी जी जो कह रहे हैं वो सच है, ऐसे लोगों को नहीं लग रहा था। भाई भारत की जो अंधेरा युग है वो समाप्त हो गया है और भारत की जगत जननी मैं देख रहा हूँ उठ रही है और सवार होकर के आगे जा रही है, और उसकी गुलामी की समय खत्म हो गया है, उसकी सोने का समय खत्म हो गया है, अब भारत जाग रही है, जो स्वामी जी ने कहा था। क्योंकि अब भारत जाग रही है ना, क्या भारत एक देश जाग रही है, यानी कि भाई आने वाले दिनों में गंगा के पुल बनेगा या बड़े बड़े भवन बनेंगे या राजनीतिक स्वतंत्रता आ जाएगी, ऐसा है क्या केवल? तो इसी को भारत को जागना कहते हैं, जिसमें होटल ऐसा बनेगा, आप सब लोग होंगे, और उसमें भारत जागने का मतलब है भारतीय संस्कृति के साथ भारत जागेगा। तो कोई सांस्कृतिक विहीन भारत जो है वो एक देश के नाते जागेगा और भारत की पुरानी संस्कृति के साथ कोई लेन देन नहीं होगा, जैसे इजिप्ट का कोई लेन देन नहीं है, जैसे कोई ईरान का कोई लेन देन नहीं है, ऐसा ही भारत और दोबारा जागेगा और बड़ा अमीर बनेगा और भारत के सारे नागरिक अमीर हो जाएंगे, ये कुछ स्वामी जी का ये कहने का अर्थ नहीं था। भारत जागेगा इसका मतलब है भारत के संपूर्ण संस्कृति के साथ, उस आभा के साथ जागेगा और विश्व गुरु दोबारा बनेगा। मैं कहूंगा डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ए गेम चेंजर, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज एन एम्पावरिंग टेक्नोलॉजी। ये जो भारत की जागने की जो प्रक्रिया है, भारत की सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, भारत की विश्व गुरु बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो कोई टेक्नोलॉजी टूल अपने हाथ में आएगा इस देश के लोगों के पास, इस देश के जवानों के पास, दिस इज द टूल विच इज गोइंग टू चेंज इंडिया एंड विच इज गोइंग टू ट्रांसलेट द ड्रीम्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड अवर फाउंडिंग फादर। ये एक महत्वपूर्ण, मैं अभी तीन दिन पहले मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब से अभी मिलने गए, तो उनसे मिलने के बाद जब चर्चा में कर रहा था, तो आप जानते हैं कि भाई गाय की चर्चा भी तो आती है, तो मैंने पूछा, क्योंकि गंगा जी के बगल में बैठे और गंगा जी और गाय और ये कला और संस्कृति आध्यात्म इसको अलग करना बड़ा मुश्किल, तो मौलाना साहब ने कहा, मैंने बड़ी लंबी चर्चा उसमें पते बात है और मैं इतना ही कहता हूँ, कहा कि उन्होंने अपने बचपन में कोई कविता पढ़ी, वो कविता सुनाए, उसके बाद उन्होंने कहा देखो, मैंने कहा ये मुसलमान विश्व भर में इतने मर रहे हैं, देखो कौन किसको मार रहा है वो छोड़ो, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, नॉन मुस्लिम मुसलमान को मार रहा है वो भूल जाओ, ये विश्व भर में मुसलमान इतने मार रहे हैं, मर रहे हैं, आप देखेंगे कितने मर रहे हैं, तो ये मुसलमान इतने मर रहे हैं तो इनका भविष्य क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बहुत लंबी बात बताया, लेकिन उसमें एक बात उन्होंने कहा कि मैं बचपन में एक कविता सुना, वो कविता है उसमें गाय के बारे में कहा, गाय जो है वो घास फूस खाती है, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक वेस्ट खाती है, तो घास फूस खाती है जो कोई काम का नहीं है, और वो दूध बनाती है, तो ये तो दुनिया में कोई मिल्क मशीन अगर कोई है या कोई मिल्किंग एनिमल कोई है तो वो जो घास खाती है और दूध बनाती है ऐसा कोई जानवर आप तक कभी देखते हो तो वो गाय, और कोई गाय के अलावा कोई ऐसी नहीं है जो
खा करके जो जिसको वेस्ट कहते हैं वो खा करके इस प्रकार के दूध देती है। दुनिया के मुसलमानों को गाय को देखकर कुछ सीखना चाहिए, ऐसा मौलाना साहब ने कहा कि इसको उन्होंने कहा मिल्क कल्चर, कि भाई हेट कल्चर नहीं चलेगा, मिल्क कल्चर ही चलेगा। तो मेरे कहने का, मैं मुसलमान और इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत के पास क्या है, भारत के पास तो गाय है, जो गाय माँ है, बाकी जगह गाय कुछ बची है तो गाय एक मिल्क मशीन है, इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है एक, वो भी बाकी जगह तो दुनिया में कोई गाय है। श्री अरविंदो ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर जब पुस्तक लिखा, क्योंकि देश में बड़ी हमला हो रहा था कि भाई भारत की संस्कृति कोई चीज नहीं है, तो कई लोगों ने लिखा, तो उसमें श्री अरविंदो ने लिखा, तो उसकी संस्कृति की बहुत व्यापक ज्ञान संपदा हमारे देश के पास। देखिए अमेरिका की ट्रेड प्रॉब्लम क्या हो रहा है इंडिया में, जब आप कुछ बोल रही थी तो वेस्टर्न वाला विषय पर, कि भाई हमारे भारत में जो कुछ लोग आजकल बहुत वॉमिटिंग करते हैं, इसको कॉल इट एज सेकुलर वॉमिटिंग, तो ये जो वॉमिटिंग करते हैं फॉर देम वेस्ट इज द ट्रेडिशन, यानी वेस्टर्न ट्रेडिशन इज सैक्रेड फॉर इंडियन पीपल, वेयर एज द होल वर्ल्ड is looking to India and Indian tradition. Indian tradition is becoming sacred for the whole world, whereas for some people in India, Western tradition is becoming sacred. तो Western का tradition कितना है? तो Western का tradition 200 साल का है. Western का tradition 300 साल का है. Maximum ले लो तो 400 450 साल का है. इसीलिए आज अमेरिका के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके पास रिकॉर्ड करने के लिए लिटरेचर कहो, संस्कृति कहो, साहित्य कहो, संपदा कहो, ज्ञान का जितनी संपदा है वो संपदा को सारे डिजिटलाइज कर ले तो कितना स्पेस लेगा और कितना समय लगेगा? तो कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा और ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। लेकिन भारत के पास कोई 400 साल की ज्ञान संपदा तो है नहीं, कोई 800 साल की नहीं है, कोई 1000 साल की नहीं है, कोई 1200 साल की नहीं है, हमारे 5000 7000 सालों से भी ज्यादा जो देश की ज्ञान की संपदा है वो संपदा भारतीय भाषाओं में पड़ी है, केवल संस्कृत में भी नहीं है, पूरे देश के जितने भारतीय भाषाएं हैं उन सारे भारतीय भाषाओं में लिपिबद्ध ढंग से ताल पत्रों पर पूरे देश के अंदर जो पड़ी है वो ज्ञान संपदा आज अपने इंस्टीट्यूशंस में, आप कई बार तो अपनी ज्ञान संपदा लिविंग ट्रेडिशंस में नहीं है, पुस्तकों में पड़ी है, मैनुस्क्रिप्ट्स में, आप इवन डांस फॉर्म्स के बारे में भी लिविंग ट्रेडिशंस नहीं है, ऐसे आपको बहुत मिलेंगे। मुझे मालूम है आई कम फ्रॉम तेलंगाना हैदराबाद, वहां पर एक डांस फॉर्मेट है जिसको पेरिनी करके अभी रिवाइव किया गया है, वहां पर नटराज रामकृष्णा करके एक गुरु है, उन्होंने टेम्पल में विविध भंगिमा उनका शिव जी की जो भंगिमा है स्कल्पचर्स जो मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां हैं अलग अलग कंबों पर जो लगे हुए हैं शिव की तांडव की जो मूर्तियां हैं उनके भंगिमाओं को सब देखते हुए वो लिविंग ट्रेडिशन के नाते नहीं था, वो खत्म हो गई, उसको उन्होंने बहुत वर्ष मेहनत करके ही ट्रांसलेटेड इनटू द लिविंग ट्रेडिशन नाउ, इसको बेरनी शिव तांडवम बोलते हैं। आज हमारे तेलुगु जी, तो ये हमारे अभी देश अपने तेलुगु प्रदेश में आज बहुत बड़ा सांस्कृतिक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में आज हमारा कल्चरल प्रोडक्ट के नाते पेरिनी शिवतांडव,
तो इसलिए मेरे कहने का अर्थ है कि अपने मंदिरों अपने गुफाओं में अपने कई तालपत्रों में किन मुद्राओं के बारे में किन अभिनय की अभिव्यक्तियों के बारे में ये सारे उसके बारे में हमारे पास जितने भंडार जो जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जिसको कहते हैं वो आज लिविंग ट्रेडिशन नहीं है वो कहीं ना कहीं पड़ा है तो आज डिजिटलाइजेशन के लिए ये बहुत उपयोग में आया है। मैं एक बात और कहूंगा क्योंकि आचार्य बालकृष्ण जी हैं तो ये तो लिविंग लेजेंड है बाबा रामदेव जी के साथ साथ आचार्य बालकृष्ण जी एक लिविंग लेजेंड है हमारे। आपको मालूम है कि मैं एक बार एक योग के केंद्र में था तो एक गुजराती एक महिला आई थी और वो इंडस्ट्री की एक मालिकिन है वो आई थी तो रिफ्लेक्सोलॉजी में वो एक्सपर्ट है तो रिफ्लेक्सोलॉजी में एक्सपर्ट है तो हम भी थे तो कई लोग उसी समय विदेशी लोग आए थे यूरोपियन महिलाएं सब कई लोग आए थे तो उन्होंने अपने हम थोड़ा चिट चाट कर रहे थे रात्रि तो रिफ्लेक्सोलॉजी में जो दो पांव होते हैं उस पांव में अलग अलग केंद्र के अंदर जो नाड़ी उसको दबा करके वो प्रेशर पॉइंट्स उसको देख करके वो बता रही थी कि आपकी बॉडी पार्ट में कहाँ स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ है कि किसी को किडनी पर किसी किसी और चीज पर आपको बीपी बढ़ गए है आपका कोई और है शी वाज टेलिंग अबाउट तो हम देख रहे थे तो सच में मेरे को भी पहली बार आश्चर्य हुआ कि विदेशी जो महिलाएं और जो लोग आए थे तो जब वो उसकी पांव जब फिंगर टिप से वो जब दबा रही थी तो सच में भारत में हम सब लोग वहां 15-20 लोग थे योग की शिक्षा लेने के लिए तो हम देख रहे थे तो वो जब दबा रही थी तो कई महिलाओं को जो विदेश से आए हैं उनकी दर्द देखने लायक था अरे पांव के उसमें दबा रही थी तो उसको बड़ी दर्द हो रहा था तो मैंने कहा पांव दबाते तो इतना दर्द होता मुझे पहली बार पता चला कि भैया मैं पर तो भारत में ऐसा तो नहीं कि पांव दबाने पर दर्द होता अच्छा लगता है तो ऐसे में तो वो बता रही थी तो मैंने पूछा कि भाई ये विदेशी जो लोग आए हैं उनके पांव दबाने पर दर्द हो रहा है और भारत के लोगों को इतना दर्द नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है क्या अंतर है तो वो महिला बताई सच में अब वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना क्या भारत में जब तक गांव अरे घर घर में मसाला डिब्बा है जो मसाला डिब्बा होता है जिसमें खाने होते हैं अलग अलग तो उसमें मेथी के बीज होते हैं फिर बाकी वो मस्टर्ड सीड्स होते हैं और सब ऐसे स्पाइसेस बॉक्स तो मसाले डिब्बे हैं भारत के घरों में जब तक ये मसाला डिब्बा रहेगा भोजन बनाने के प्रक्रिया में तब तक आपको स्ट्रेस लेवल्स ज्यादा नहीं रहेंगे और आपका स्वास्थ्य इंश्योर रहेगा इसकी बहुत बड़ा कारण ये मसाला डिब्बा है जो घर में रहता है पूरी दुनिया में कहीं मसाला डिब्बा रहे फूड इज फूड इन अदर प्लेसेस बट फूड इज मेडिसिन इन इंडिया तो मैं हमारे भारत की जब कल्चर में कहता हूं तो कल्चर का मतलब है कि फूड इज अवर फ्रॉम कल्चर ऐसा नहीं है हमारे संस्कृति में भोजन एक भाग है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल तो इसीलिए हमारे संस्कृति और हमारा भोजन हमारा जीवन की जो विधान है वो अलग नहीं है वो एकांगी है वो सब सब मिला करके तो मेरा कहने का इसमें से मैं क्या कहना चाहता हूं आपको मालूम है इस देश में फूड वेराइटीज में जो पहले बताया था पूरे इस देश में जितने फूड वेराइटीज हैं इस देश में अगर महिला नहीं होती तो इतना फूड होता नहीं इतनी वेराइटीज ऑफ फूड हो ही नहीं सकती जो कहता है कि भाई महिला यानी घर का किचन का ये वो बड़ा कोई बैकवर्ड सिंबलिज्म के नाते देखते मुझे पता नहीं कि कोई चीज 15 साल अध्ययन के बाद जो समझ में आता है वो लिख देते हैं और उसको वॉमिटिंग करता हूं तो आपको मालूम है इस देश में इतने वैरायटी ऑफ फूड आविष्कार हुआ आई एम कॉलिंग इट एज आविष्कार इनोवेशन इस देश में इतने वैरायटी ऑफ फूड ये फूड कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इधर इधर मिला दे इधर इधर मिला दे इट्स बेस्ड ऑन नॉलेज इट्स बेस्ड ऑन साइंस इट्स बेस्ड ऑन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कोई भोजन ऐसे मिला करके आपका टेस्ट अच्छा रहेगा बना दिया ऐसा भारत में भोजन नहीं बना है तो इसलिए इस
डिजिटलाइजेशन कैंपेन में हमारा जो फूड वैरायटीज एंड फूड एंड हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में ये पूरा इकट्ठा करना ये दुनिया के लिए आवश्यक है, ये हमारा हमारे पावर का हिस्सा है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसमें और आगे आपको कहता हूं कि अपने देश में योग के बारे में तो अब योग सालों से है, हजारों सालों से है, लेकिन अभी योग तो क्रांति का विषय बना है कि भाई मालूम है कि कुछ साल पहले तो योग करते हैं तो आचार्य जी आपको मालूम है बहुत लंबा भी नहीं है, आचार्य जी बाबा रामदेव जी ने कुछ किया और वृंदा कारक ने कुछ कर दिया, अभी अभी मजबूरी में कुछ एक्सेप्ट करने लग गए, अभी सेकुलरिस्ट के नाम से भी तो योग के खिलाफ बोलना भी एक दंगा था। एंड साइंस मींस कि भाई इस प्रकार से तो अब डिजिटल टेक्नोलॉजी ने योग को ग्लोबल साइंस बनाने के ओर जा रही है। योग हैज बिकम एन एस्केलेटर फॉर इंडियाज एम्पावरमेंट प्रोसेस। तो एक योग है तो एक योग ही अब इतना कर दिया तो अब बाद में धीरे धीरे अब आयुर्वेद भी ले लिया है। तो अब मैं पढ़ रहा था कि पतंजलि की जो चेन है वो चेन इट विल लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ग्लोबल चेन्स। तो हमारी जो जो बहुत सारी चीजें हैं मैं कहता हूं कि विश्व भर में आज लोग जिस प्रकार की जो चीजें हैं हम मैं कहूंगा कि हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत मेगा कॉम्प्रहेंसिव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर हॉलीवुड का मतलब एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट का मतलब हॉलीवुड है और ग्लोबल मार्केट में हॉलीवुड के मुकाबले में दिक्कत आ रही है कि फ्रांस के लोग लगता है कि भाई हमारा कल्चर खत्म होने वाला है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आई ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग कि भाई हमारा तो अब हॉलीवुड टेक ओवर करेगा, तो इसका मतलब है हॉलीवुड ही दुनिया का कल्चर है। दुनिया के कल्चर के सामने हॉलीवुड को मुकाबला करने का अगर कोई कैपेसिटी है, ओवरटेक करने का, उसको बीट करने का अगर कोई ताकत है तो वो भारत के पास है। एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अस इन प्लेइंग दिस गेम। तो मेरा जो कहना है कि ऐसे में आज तो कुछ तो अब तो शुरुआत ही है कि हमारे देश में कोई 20% इंटरनेट पॉपुलेशन इंटरनेट कनेक्टिविटी पाया है, तो दुनिया में कई देशों में तो 90% इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया लेकिन हमारे तो केवल 20% इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अभी तो कनेक्टिविटी पूरा हुआ नहीं है। डिजिटल कैंपेन ये ऐसी चीज है जिसके कारण से आने वाले दिनों में जल्दी भारत के गांव के साथ मैं जब ये कहता हूं तो कि ऐसा है कि ज्ञान पूरा दिल्ली में है और भारत के गांवों तक ज्ञान पहुंचाना है ये कोई डिजिटल कनेक्टिविटी का कारण नहीं है, गांवों में ज्ञान। आपको मालूम है इस देश में जितने डिजाइन इंडिजिनस डिजाइन आपको एक एक कपड़ा एक एक प्रकार के एक एक रंगों का मिक्स और एक एक प्रकार के आपका ये स्टाइल देखेंगे तो हमारे ट्राइबल्स की जो डिजाइन्स हैं वो डिजाइन्स दुनिया में करते करते 5000 सालों तक हम बेचते हुए कमाते हुए जा सकते जितने डिजाइन्स और इस डिजाइन्स में वैरायटी है। जो आप गंगा के तट पर पहनने में जो सुंदर लगता है वो समुद्र के तट पर पहनने से वो नहीं लगता। We have studied the nature and we have created designs according to the nature. Winter में जो designs अच्छे लगते हैं वो summer में अच्छे नहीं लगते हैं। जिसको winter ही एक है और उसको क्या मालूम है क्या designs होता है। जिंदगी में उसको winter के अलावा कुछ मालूम ही नहीं है। उसको तो लगता है कि मैं दुनिया winter, winter दुनिया और कुछ नहीं है ऐसा लगता। लेकिन तो हमारे भारत में तो प्रकृति तो पूरे
डिजर्ट की डिजाइन है वो नॉर्थ ईस्ट की डिजाइन नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट की डिजाइन है वो डिजर्ट के डिजाइन है। इसलिए दुनिया में किसी भी हिस्से को आप ले लो तो उसको जो डिजाइन चाहिए वो भारत में मिलेगा, क्योंकि भारत में प्रकृति हर भूभाग में जो मिलेगा वो यहां पर है। आपको मैं बताऊं कि एक बार क्या हुआ था कि देवांग मेहता नैसकॉम के जब वो बना रहे थे तो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के नाते ही वाज डूइंग समथिंग एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो वो गुजरात से आते हैं तो बहुत सारे लोगों को टाई बनाना है, तो टाई का काम जो है गुजरात में बड़ा काम, डिजाइनिंग का काम किसी महिला को वो देना चाह रहे, तो महिला को फोन करके पूछा कि आप टाई का डिजाइन कर सकती हो, तो उस महिला ने पूछा टाई क्या होता है, वो महिला टाई नहीं जानती, टाई क्या होता है नहीं जानती, तो उस महिला ने कहा कि ये टाई क्या होता है मुझे बता दीजिए। तो देवांग मेहता ने कहा कि उसको बताना है तो उस समय के नेट पे पूरा कलेक्ट करके टाई की उत्पत्ति क्या है, टाई की, क्योंकि टाई यानी ये केवल ये जाकर के बताने से टाई डिजाइनर को कॉन्सेप्ट चाहिए होता है कंप्लीट, डिजाइन केवल ये नकल नहीं करता। तो उसने पूरा लिटरेचर निकाल करके उसको भेजा एंड शी डिजाइन, और उसके बाद वो ऑर्डर सेलेक्ट हो गया। तो वहां के कंपनी ने कहा कि भाई हम 20,000 टाइस का ऑर्डर देते हैं या कुछ और 2,00,000 का टाइस ऑर्डर देते हैं। तो उस महिला ने कहा कि मैं डिजाइन कर सकती हूँ, मेरे को ये 20,000 क्या होता, बनाना नहीं आता, मेरे पास ताकत नहीं है। तो हमारे देश में डिजाइनर्स की जितनी संख्या, डोंट कनेक्ट दी कि हमारा रिसोर्सेस विद लिटरेसी रेट, हमारा लिटरेसी आज लिटरेट नहीं भी है तो वो डिजाइनर, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अंग्रेजी में अच्छे बोलेंगे हिंदी में अच्छे बोलेंगे तो ही वो अच्छा डिजाइनर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिजाइनर होने का और भाषा बोलने का लिखने का इससे कोई संबंध नहीं। तो इसलिए इस देश में इस प्रकार की जो संस्कृति है वो संस्कृति भारत में जिस प्रकार से है तो हमारे लिए एक एम्पावरिंग टेक्नोलॉजी, गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी ये डिजिटलाइजेशन प्रोसेस है। गंगा जी यहां पर हैं, इस देश में आध्यात्म तो साधना है, आध्यात्म तो व्यक्तिगत साधना है, और कई बार आध्यात्म भजन में ऐसे बैठेंगे तो सामूहिक साधना भी है, कभी कला के उसमें नाची में उसमें बैठेंगे तो सामूहिक साधना भी है, जिसमें नाचने वाले, नाच करने वाला, देखने वाला और जिसके बारे में कर रहे वो एक हो जाते हैं त्रिमूर्ति, यानी जो कलाकार है और जो कला पोषक है या कला दर्शक है और जिसके बारे में जो भगवान है जिसके बारे में नाच कर रहे हैं वो तीन एक करने वाला आध्यात्मिक साधना है वो है। तो हम गंगा जी के तट पर बैठे हैं, भारतीय संस्कृति की अगर कोई पहचान है तो वो गंगा जी। अभी मैं किसी नदी के विषय में कहीं बैठा था तो बातचीत चल रही थी, तो आपको मालूम है कि उसमें बात चर्चा चल रही थी, अभी गंगा को बचाना है ना, मोदी जी ने अपने सरकार के ओर से कहा कि भाई गंगा ठीक करना है, तो मुझे मालूम नहीं आने वाले दिनों में हम अपने फूड प्रोडक्शन यूरिया और फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, पेस्टिसाइड के माध्यम से हम इसी प्रकार से बनाते जाएंगे, और गंगा जी में वो जो खेतों से जो निकलती है यूरिया और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का वो गंगा जी में मिलती रहेगी और गंगा को हम फिल्टर करते रहेंगे, ऐसा होगा क्या, ऐसा संभव है क्या, ऐसा गंगा जी ठीक हो सकता है? इसीलिए जब तक आपका लाइफस्टाइल एंड आपका प्रोडक्शन प्रोसेस गंगा जी को सैक्रेड नहीं मानने वाली होती है तब तक आपका लाइफ डिस्टॉर्टेड रहेगा। कल्चर एक अलग है और आपका लाइफस्टाइल एक अलग है, ये जीवन भारतीय जीवन में कभी भारत में कभी सिखाया नहीं है, कभी देखा नहीं है। इसलिए हमारा जीवन जीने का ढंग और हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस
जिसको गंगा जी यानी जो प्रकृति है उसको सैक्रेड मानने वाला और उसको हमारा हिस्सा मानने वाला जो एक भाव है, वो एक होने वाली संस्कृति है, उस संस्कृति को हमें आज भारत की संस्कृति यानी वो है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि डिजिटल इंडिया इज नॉट ए गिविंग प्रोसेस फ्रॉम दिल्ली टू विलेजेस एंड टू पीपल, बट इट इज मोर देन दैट, इट इज अ टेकिंग प्रोसेस, इट्स अ रिसीविंग प्रोसेस फ्रॉम विलेजेस एंड पीपल टू अदर्स, टू दिल्ली। दिल्ली आज बहुत गरीब है। मैं जो कह रहा हूं आप लोगों को, दिल्ली बड़ी अमीर है और भारत गरीब है। इंडिया एंड दिल्ली के बारे में, भारत के बारे में चर्चा होती है, लेकिन मैं जिस संस्कृति के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, दिल्ली गरीब है, दिल्ली जी नहीं सकता। जिस प्रकार की दिल्ली आप देख रहे हैं, उस प्रकार की दिल्ली जी नहीं सकेगा और उस दिल्ली के साथ भारत जी नहीं सकेगा। और ऐसे में हम ज्ञान जो भंडार है पूरे गांव में, लोगों में और बिखरा पड़ा है, वो जो सैक्रेट लिटरेचर, सैक्रेट नॉलेज, सैक्रेट पावर, वो सबको इकट्ठा करने का ये बहुत बड़ा। मैं अंत में एक बात कहूंगा, आपको मालूम है कि भारत के पास आज कई स्कूल्स में, जो दिल्ली में और बड़े बड़े स्कूल्स में अच्छे अच्छे एयर कंडीशन स्कूल्स भी हो गए हैं, तो वहां पर किसी से पूछो गेहूं कहाँ पैदा होता है पता नहीं है, बाजरा और गेहूं के बीच में अंतर भी पता नहीं है, और जमीन के नीचे क्या पैदा होती है, जमीन के ऊपर क्या पैदा होती है, ये भी पता नहीं है। इसीलिए आने वाले दिनों में आपको जिसको कहते हैं कनेक्टिविटी और एक्सपोजर, ये सब चीजों के विषय में डिजिटल नॉलेज और डिजिटल कैंपेन, इससे ही ये सब चीजें आएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले दिनों में, अभी एक मैं अंत में एक बात कहूंगा कि अभी 2G कहते हैं तो 3G कहते हैं तो ये तुरंत कांग्रेस याद है, आप सबको मालूम है कि भाई वो भूलना कुछ बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आने वाले दिनों में 4G आने वाली है। तो 4G आने के बाद, एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद कन्वर्जेंस बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन कन्वर्जेंस एंड विजुअल कन्वर्जेंस ये सब बढ़ रहा है। तो आप कहीं भी बैठे बैठे पूरे देश भर में, विश्व भर में अपने ज्ञान की जो भंडार है अपार है, टेक्नोलॉजी की कोई, मैं आपको कहना, समय को देखते हुए मैं नहीं कह पा रहा हूं, मैं बचपन में आंध्र में एक मंदिर में जा, वो तालाब के बगल में मंदिर है, सारे जवान जाते तो देखने के, जब जाते तो उसमें ईंटों से, पत्थर का भी है लेकिन उसमें ईंट बहुत है, तो वो ईंट ऐसे है कि उसमें इंटरनल एयर चैम्बर से बना हुआ है, कोई हजार साल पहले बना हुआ मंदिर है, तो वो पानी में डाले तो वो तैरती है, वो डूबती नहीं है, तो उसकी एयर चैम्बर से बना हुआ हजार साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी। आपको कुतुब मीनार की टेक्नोलॉजी या वो स्तंभ की टेक्नोलॉजी, ये स्तंभ की टेक्नोलॉजी तो हमने पुस्तकों में पढ़ा, लेकिन भारत में संपूर्ण गांव में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजीज पुराने पड़े हुए हैं, वो सब चीजें आज डिजिटलाइजेशन में आएंगे। आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियों की जानकारी, डिजाइन की जानकारी, हमारी कलाओं की जानकारी, और हमारी जो 6-7 हजार सालों में जो मानव मस्तिष्क ने तपस्या करते हुए जो आविष्कार किया है और जिस पर जीवन जिया है, वो सारी चीजें जब डिजिटलाइज होते जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि ये देश के ताकत बहुत बढ़ेगी। तो इसमें केवल सरकार की योगदान नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स का भी और ऑर्गेनाइजेशंस का भी और संगठनों का भी और व्यापारी संगठनों का, एंटरप्रेन्योरशिप का, सबका इसमें योगदान रहेगा। तो मैं कहूंगा भारत नीति ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हरिद्वार में लिया, मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में भारत को भारत के आत्मा के साथ जो जागृति करने का, जो विश्व गुरु बनने की जो प्रक्रिया है, वो डिजिटल कैंपेन से ही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।